Uh, this session is being recorded and uh, this is uh, Sir Seeb Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on something very, very, very important that is uh, that is IELTS reading matching information. अच्छा मैंने कल आपको बहुत अच्छे से गाइड किया था about my teaching pattern. अगर आप कल के सेशन में नहीं दे तो लाजमी मेरा कल का सेशन पहले देखे और फिर मुझे आ, आज से फॉलो करें आपके पास जो जनरल वालों का पेपर होता है ना जनरल के पास सेक्शन वन में दो सवाल आते हैं कल हमने डिस्कस किया था ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और ब्लैंक्स तो ब्लैंक्स तो सेक्शन टू के अंदर आती और वो पूरा सिर्फ ब्लैंक्स पर ही एक पूरा सेक्शन होता है तो सेक्शन टू आपका वहां से निकल जाता है ब्लैंक्स से सेक्शन वन में दो सवाल होते हैं आज मैं दूसरे सवाल पे बात कर रहा हूं और यही सवाल अकेडमिक रीडिंग के अंदर भी आता है अकेडमिक रीडिंग के अंदर ये मैं आज इसका स्टार्टर दे रहा हूँ और फिर मैं देखें इसका आने वाली एपिसोड में इसका यही सवाल आपको अकेडमिक में किस तरह से आता है मैं डिस्कस लेकिन पहले आप मैचिंग इंफॉर्मेशन की साइंस क्या है इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है कैसे हमें की पॉइंट्स निकालने होते हैं अच्छा कल हमने जितनी बातें डिस्कस की थी आपने शायद एक बात नोट की हो द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन चाहे तो आप अपने पास नोट कर ले मेरी हर बात को नोट किया करें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के जवाब भी सीक्वेंस में मिलते हैं द ब्लैंक्स के जवाब भी सीक्वेंस में मिलते हैं एक चीज और नोट कर लें एमसीक्यूज के जवाब भी सीक्वेंस में मिलते हैं ये तीन सवालत हैं और तीसरा एक और लिख लें अपने पास ताकि आप लोगों के पास एक ही जगह सारी चीजें हो जाए जमा एक सवाल और आएगा लिस्ट ऑफ पीपल लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट लिस्ट ऑफ इसके जवाब भी सीक्वेंस में मिलते हैं ये चार सवालत हैं जिनके जवाब हमेशा पहले वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर सीक्वेंस में मिलेंगे आज जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन ये आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा क्योंकि अगर ये सीक्वेंस में मिल गया तो वन का जवाब ए टू का जवाब बी थ्री का सी फोर का डी फाइव का ई e, अल्लाह तो ऐसा था कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान तो इसके जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलते मैचिंग इन्फॉर्मेशन कभी सीक्वेंस में नहीं आती है याद की बात देखो कुछ जब पेपर के बारे में पे, आप पेपर को अंडरस्टैंड कर लेते ना हर की साइंस को समझ लेते तो फिर आपको पेपर मुश्किल नहीं लगता अब आप तौर पे तैयार हो गए कि यार ये वन का जवाब पैराग्राफ ए से नहीं मिलेगा तो अब बच्चा देखो पेपर में गलती क्या करता है वो ए को ढूंढने बैठता है वन को ढूंढता है ए में जी नहीं इस सवाल को डील करने का ये तरीका ही नहीं है आपको क्या करना है आपको पढ़ना होता है ए और ए को तलाश करना होता है इनमें क्या कोई ऐसी बात है जो ए से मैच हो रही है आप पैराग्राफ की सीक्वेंस को फॉलो करेंगे पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई e. लेकिन पैराग्राफ्स को पढ़ने से पहले बेटा जानी एक काम जो आपको लाजमी तौर पे करना होता है वो क्या है कि आप की पॉइंट्स निकालें की पॉइंट्स निकालें अब आप की पॉइंट्स जब आप निकाल लेंगे जब आप ए को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सुई जाकर अटकेगी ठीक है चलिए आप देखिए बार बार इसने पोपल का वर्ड तो बार बार इस्तेमाल हुआ हुआ है तो अब यहां पर छुपे हुए वर्ब्स एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को देखें इंटरेस्टेड एडजेक्टिव को देखा आपने वर्ब देखिए इज होपिंग प्रोग्रेसिव में लिखा हुआ है फाइंड्स प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है फाइंड्स प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है एप्रीशियट्स प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है हैज रियलाइज प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है मैंने जब की पॉइंट्स निकालता हूँ मैं बहुत डिटेल में आज बता रहा हूँ मैंने आपसे कहा है, मेरे तकरीबन सारी बुक्स रिकॉर्ड हुई हुई हैं आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं गूगल क्लासरूम से लेकिन अब मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ा है वो सब आपकी इन सेशन्स के अंदर बंद कर दूँ ठीक है अब जैसे जब हम की पॉइंट्स निकालते हैं तो बेटा हमारा फोकस हम मैंने सर सबसे पहले देखो क्या चेक किया मैंने टेंसेस को चेक किया मैं और किस चीज को चेक करता हूँ एडजेक्टिव को चेक करता हूँ मैं एडवर्ब्स चेक करता हूँ मैं वर्ब्स को चेक करता हूँ अगर मैं वर्ब्स चेक कर रहा हूं तो वर्ब का मतलब यही है कि मैं टेंस को चेक कर रहा हूं कि ये जो वर्ब लिखा है ये प्रेजेंट का है पास्ट का है प्रोग्रेसिव का है अच्छा की पॉइंट में हमेशा याद रखो रिलेशन बनाया करो रिलेशन बनाया करो अब जैसे इंटरेस्टेड भाई किस चीज में सारा में अली में क्या क्या इंटरेस्टेड भाई इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट बावजूद वो जैसे भी पढ़ाया जाए इन द सब्जेक्ट डिस्पाइट द वे इट इज यानी कि यानी सब्जेक्ट पढ़ाना टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट लेता है सब्जेक्ट में जैसा भी पढ़ाया जाए अच्छा होपिंग किस बात की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है अ करियर मेक यूज ऑफ द सब्जेक्ट कि अपने करियर में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेगा ठीक है भाई फाइंड द सब्जेक्ट हार्डर देन दे एक्सपेक्टेड अब हार्ड देखो अब जब मुझे हार्डर मिला ना तो मेरे जहन में हार्डर हार्डर हार्ड hard का दूसरा वर्ड आ गया एक डिफिकल्ट मैं देखो दो चीजें देखो दिख, देखो दिमाग ऐसे आपका चलना चाहिए और फिर मेरे जहन में इसका ऑपोजिट भी आ गया सिनेम और ऑपोजिट दोनों को एक्टिव किया करो मैंने हार्ट का सिनेम भी अपने जहन में लेकर आया डिफिकल्ट सिनेम आ गया मैंने इसका ऑपोजिट भी लेकर आया फिर वहां लिखे द पोपल फाइंड द लेसन एंटरटेनिंग अब एंटरटेनिंग का सिनेम आपके जहन में आना चाहिए नहीं आ रहा तो आप याद रखें कि देखो एंटरटेनिंग का कोई ना कोई सिनेम वो इस्तेमाल करेंगे आपके जहन में नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम टेंशन नॉट लेकिन आप के जब आप पढ़ें तो आपको क्लिक करना चाहिए दिस इज एंटरटेनिंग फिर लिखा है द पीपल ऑफ डूइंग चैलेंजिंग वर्क चैलेंजिंग वर्क अब चैलेंजिंग वर्क का भी सिनेम आपके जहन में नहीं आ रहा लेकिन आपने उसको अपने पास सर्कल कर लिया कि यार इसका ये कॉम्बिनेशन किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं चैलेंजिंग वर्क को हैज रियलाइज द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स अब ये टू थिंग्स कौन सी हैं आप इस अब ये टू थिंग्स आप नहीं लिख सकते जब तक आप रीड नहीं करेंगे लेकिन यहां टू थिंग्स लिखा हुआ है वहां जब आप जाकर पढ़ेंगे तो वो दो चीजें आपको लिख कर देगा ऐसे की पॉइंट्स को निकाला जाता है कि जब आप की पॉइंट्स निकालें तो उसका कॉम्बिनेशन सेट करें आपने इंटरेस्टेड डिस्पाइट द वे सब्जेक्ट इज स्टॉड और आखिर में एक बात को जरूर पढ़ा करें कि क्या ऊपर लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस हां बिल्कुल लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया देखो अब जरा सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी पैराग्राफ से कोई बात ना मिले बहुत अच्छी बात आपने पूछी बेटा बिल्कुल ऐसा हो सकता है ये देखें आपने फर्ज करें इसका जवाब ए लिख दिया इसका भी ए लिख दिया एक लेटर का इस्तेमाल दो दफ़ा हो सकता है फिर आपने इसका जवाब बी लिख दिया फिर इसका जवाब सी लिख दिया इसका जवाब डी लिख दिया अगर डी दो दफा आ गया तो ई e तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना अगर कोई भी दो लेटर दो दफा रिपीट हो तो एक पैराग्राफ तो बेकार हो गया तो ये बात जहन में रखिएगा कि इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी अ वेस्ट ऑफ टाइम वो आपके वक्त को ज़ाया करें और मैंने आजकल ये बात देखी है महसूस की है कि ऐसा हो रहा है कि ये आपको एक पैराग्राफ ऐसा दे रहे हैं जिसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो जहनी तौर पर तैयार रहिएगा हर बात को नोट कर लिया करें ठीक है मैं हर सेशन में कोई नई बातें नहीं करता हूं मैं आपको जब भी मैचिंग इन्फॉर्मेशन का सवाल बढ़ाऊंगा यही बातें करूंगा बस कोशिश करता हूं जो उसके अंदर की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और अंदरबुलरी है वो नई आपके सामने एक्सप्लोर हो जाए ठीक है हमने टेंसेस को फोकस करना है एडवर्ब को एडजेक्टिव को आ, अगर कोई वर्ड देखते हैं तो उसका सिनेम उसका ऑपोजिट हमारे पास आना चाहिए कुछ वर्ड्स के सिनेम्स हमारे जहन में नहीं आ रहे होते लेकिन हमें जहनी तौर तो पे तैयार रहना चाहिए कि इसका कोई ना कोई सिनेम ही आएगा क्योंकि हमारे चाचा ने पेपर नहीं बनाया कि वो लिख कर दे देगा चैलेंजिंग वर्क और एंटरटेनिंग कोई भी चीज कोई भी चीज कोई भी चीज जो है वो आपको एज एट इज लिख कर नहीं दी जाएगी ठीक है चले बेटा जो लोग कह रहे हैं ना अकेडमिक रीडिंग आसान है तो ये जनरल वालों के जो बैंड आते हैं ना रीडिंग में वो भी थ्री पॉइंट फाइव आते हैं जनरल वाले भी तो रो रहे हैं ना बैठ के उनका उनके लिए भी वो बहुत चीजें मुश्किल है लेकिन ये आपका स्टार्टर है जब आप ये साइंस समझ लेंगे ना इसके बाद अब आप सॉल्व करेंगे कल आपने देखा था आपने एकेडमिक रीडिंग को सॉल्व किया आपकी कोई टेंशन नहीं थी आज भी शायद कुछ ऐसे होने वाला है लेकिन आज आपका सवाल जनरल वालों का ये सवाल है और एकेडमिक वालों का सवाल डिफरेंट है लेकिन वो भी जनरल वालों के लिए से लिंक करेगा क्योंकि आज हेडिंग भी पढ़ा रहा हूं मैं अकेडमिक वालों से चले Studying spend. अब आपने अब आपने निकाल लिया अच्छा ये काम करने के लिए भाई एक मिनट होता है एक मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा छह अगर आपके पास स्टेटमेंट्स है तो बस निकालने के लिए एक मिनट मिलेगा आपको हम एक मिनट देंगे अब आपके पास छह मिनट है छह मिनट में पढ़ के जवाब दे दीजिए और याद रखिए एक और आखिरी एडवाइस डोंट रीड पैराग्राफ अगेन एंड अगेन ठीक <laughs> है ना इसको छोड़ देना एनबी का क्या मतलब है यू मे यूज इस बात को नोट कर ले आप ठीक है ना यू मे यूज एनी लेटर मोर देन जो बात समझने वाली है मैंने समझा दी है ठीक है कि आपका एक लेटर एक से ज्यादा मरतबा आ सकता है नोट कर लेंगे आई एम स्टार्टिंग स्पेनिश बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रेंच फॉरन लैंग्वेजेस एंड आई एम वेरी प्लीज वेन आई कैन वॉच अ वीडियो इन क्लास एंड अंडरस्टैंड इट मिस्टर पैकम रियली पुशेज आस देखो टेंस नोट करो रियली पुशेज आस एंड ऑफर्स एक्स्ट्रा असाइनमेंट देखो जो असाइनमेंट होता है वो किससे लिंक कर रहा है अब तुम्हें एक ऐसे वर्ड का सिननिम चाहिए था वेरी गुड मारिया यू हिट द बोल जो असाइनमेंट होता है वो क्या होता है अब तुम्हारे जहन में था कि यार इसका कोई सिननिम आएगा और ये एक्स्ट्रा भी है जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो क्या होती है जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपका काम होता है और जो आपको वो पुश करते हैं तो वो कहते हैं रियली पुश आस एंड ऑफरज आस वो कहता है दैट्स गुड फॉर मी ये हमारे लिए अच्छा है तो वो ब, जो स्टूडेंट है वो तारीफ कर रहा है इट मीनस अप्रीशियट्स एंड योर आंसर गोज़ विथ अब आप जवाब कैसे लिखेंगे जो पैराग्राफ है आपने वो उसका लेटर मैंशन करना होता है और आपने यहाँ पर लिख दिया अच्छा ये हम ज़रा हटा दें अब आपने यहां पर लिख दिया ए ठीक है भाई हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट इज फैसिनेटिंग देखो फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग अब बच्चा इंटरेस्ट फैसिनेटिंग सिनेम याद हुए हैं भाई कभी कभार सिनेम लेकर डूब जाते हैं आपको देखो अब इंटरेस्टिंग आप चले गए वन पर इंटरेस्टेड सर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टेड फैसिनेटिंग जी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन मैच किया है बिल्कुल आपने जबरदस्त टू सी हाउ टू सी हाउ व्हाट वी लर्न अबाउट द पास्ट इज रेलिवेंट टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड नाउ इट हैज मेड मी रियलाइज इट हैज मेड मी अंडरस्टैंड अब देखो यहां पर जिस टेंस को तुमने पहचाना नहीं मैंने कैसे तुम्हें निकाल कर दिया है यहाँ पर इन्होंने ये जो लिखा हुआ है इट्स मेड ये प्रेजेंट परफेक्ट है और जब उसने कहा इट हैज मेड मी अंडरस्टैंड तो ये बराबर है किसके इट हैज मेड मी अंडरस्टैंड इट हैज मेड मी अंडरस्टैंड इज इक्वल टू टेंस को मैच करो और मीनिंग्स को मैच करो कहां जा रही हो आपना बेटा कहां जा रही हो बेटा देखो इट हैज मेड मी आप टेंसेस को फॉलो करते हुए आपने टेंसेस को कीवर्ड्स के हिसाब से निकाला था और जो वोकैबलरी लिखी है उसका मतलब क्या है द पीपल है उसको एहसास हुआ तो वहां पे भी तो वो ये लिख रहा है इट हैज मेड मी अंडरस्टैंड उसे एहसास हुआ क्या मच मोर अबाउट पॉलिटिक्स 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 और पहली चीज क्या थी हिस्ट्री इट हैज मेड मी रियलाइज के हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है योर आंसर गोज विथ पी और वो कहता है माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी जो आपका स्टडी जो आपका स्टडी प्लान होता है वो बेसिकली बताएं वो कौन सा प्लान होता है आपका जो आपका स्टडी प्लान है वो बेसिकली आपका कौन सा प्लान होता है माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी जो आपका स्टडी प्लान है वो आपका क्या है बेसिकली गोल है तो देखें कहा नजर आ रहा है आपको आपको स्टडी प्लान दिख रहा है यहाँ पर स्टडी प्लान बेटा जो आपका स्टडी प्लान होता है वो बेसिकली आपका करियर होता है ना आप उस करियर के बारे में सोच रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं माई प्लान इज टू स्टडी हिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी एंड मे बी गो इन टू डिप्लोमेटिक सर्विस तो वहां पर मैं इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकूंगा आई कैन अप्लाई नॉलेज ऑफ हिस्ट्री मेक यूज ऑफ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है हिस्ट्री सो योर आंसर गोज विथ पी

मैंने आपको हार्ड लिख कर दिया था डिफिकल्ट लिख कर दिया था और डिफिकल्ट का सिनेम में एक और भी लिखवाता हूं डिफिकल्ट का एक और सिनेम भी लिखवाता हूं देखो और वो क्या था Difficulty, problem, तो ये इसके एक और आपके पास आ गया प्रॉब्लम हर्डल हार्ड डिफिकल्ट प्रॉब्लम हर्डल सब एक खानदान के वर्ड है और वहां लिखा हुआ है देखो आई

माई पेरेंट्स बोथ वर्क इन लेजर एंड टूरिज्म एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट देक एट अलॉट एट होम आई फाइंड इट फैसिनेटिंग दोबारा आपको मिल गया फैसिनेटिंग अब दोबारा दोबारा जहन कहाँ चला गया देखो सने मिल हैं ना तो आप फॉरन फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग इंटरास्टिंग तो आपको मैचिंग मिल रही है पहले भी मिली थी लेकिन वो जवाब नहीं था दे आई एम ऑलवेज आई आई एम स्टार्टिंग इट एट स्कूल और मैं स्कूल में भी पढ़ रहा हूँ एंड टीचर इज एंड द टीचर इज वेरी नॉलेजेबल भाई कोई बात नहीं है हमारी जो टीचर है बहुत उनके पास नॉलेज है बहुत अच्छा पढ़ाती है आई थिंक वी स्पेंड लेकिन हमें लगता है शायद हम उनको सुनने में बहुत वक्त गुजारते हैं आई थिंक वी स्पेंड टू मच टाइम टू मच टाइम लाइक लिसनिंग टू हर आई वुड लाइक टू मीट मोर पीपल इन द सेक्टर एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस सो योर आंसर गोज विथ योर आंसर गोज विथ वन आपने जवाब लिख दिया डी अब आपके पास सिर्फ बचा कौन सा बचा फोर बचा और कनेक्शन हो गया चैलेंजिंग वर्क हो गया बस फोर बचा अब फोर में आपको एंटरटेनिंग चाहिए आई हैव ऑलवेज बीन कीन ऑन आर्ट आई सो आई चूज इट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट दो आई वाज अफ्रेड ऑफ द लेसन माइट बी बिट डल आई नीड एन है टीचर गेट्स आस टू डू लॉर्ड ऑफ फन थिंग्स ये जो फन है ये जो फन है ये किससे मैच होगा किससे मैच हुआ वेरी गुड आगे ठीक है आपको साइंस समझ आई आइए एक और साइंस आपको सिखाते देखिए अब यहां पर आपके पास अब आपको अपना टाइम नोट करना है एक दो तीन चार पांच छह सात सात है एक मिनट में कीवर्ड्स निकालो एक मिनट में कीवर्ड निकालो और सात मिनट में सॉल्व करो क्योंकि तुम्हें पेपर में ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करनी है अगर ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो जिंदगी में कामयाब हो गए अगर आप ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे देन यू विल सफर आइए तो कहते हैं यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस यहाँ पर भी उसने वही लिख कर दे दिया है अब हम की निकालने जा रहे हैं की देखते हैं कहते हैं यू विल बी प्रोवाइडेड सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड मैंने इसको भी देखा फ्यूचर है और कहते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट अच्छा देखो जब सेफ्टी इक्विपमेंट लिख कर दिया गया तो मुझे बताइए सेफ्टी इक्ुपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं अक्सर सेफ्टी इक्विपमेंट्स किन चीजों को कहा जाता है आप कहीं जा रही है पहाड़ पे चढ़ने तो आपके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होंगे भाई आपके पास अच्छे से बूट्स हो रस्सी हो और जैकेट्स हो और क्या हो फर्स्ट एड हो बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पैराशूट हो बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं टॉर्च हो ठीक है ना अच्छा यू गेट माइनर इंजरीज डूइंग दिस एक्टिविटीज यू मे गेट अच्छा देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर इधर देखो मॉडल लिखा हुआ है ये देखा करो और यहाँ लिखा हुआ है माइनर इंजरीज ठीक है अच्छा यू कैन सी अ डिसूज आइसोलेटेड बिल्डिंग बिल्डिंग आइसोलेटेड बिल्डिंग आइसोलेटेड का मतलब पता है isolated का मतलब होता है खाली सन्नाटे में खा, रिलैक्स कर सकते हैं नीचे देख सकते हैं आप एक rough water, जो सी वाटर होता है उसको हम रफ वाटर कहते हैं बिग शिप्स आपने बिग शिप्स का नाम कभी आपने शिप्स के बारे में पढ़ा है? शिप्स के बारे में आपने पढ़ा है शिप्स जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं और उनको क्या, और क्या कहते हैं अगर आपका नेवल में थोड़ा सा इंटरेस्ट है नेवी के अंदर वेरी गुड क्रूज कहते हैं ठीक है ना क्रूज कहते हैं क्रूज यू कैन चूज अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं ये जो चूज का वर्ड है ये आइल्स रीडिंग के अंदर सेलेक्ट से आता है यू कैन चूज यू कैन चूज चूज का मतलब सेलेक्ट इजी ऑप्शन और डिफिकल्ट अब देखो इजी और डिफिकल्ट ये दो लेवल्स होते हैं मैं एक बात लिख रहा हूं वो आप अपने पास नोट कीजिएगा अगर मैं इजी लिखा ठीक है इजी लिखा और डिफिकल्ट लिखा डिफिकल्ट मैंने लिखा ये लेवल्स होते हैं अच्छा अब लेवल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं ना तो फिर सीनियर और जूनियर भी लेवल है सीनियर और जूनियर भी लेवल है अगर मैं लेवल की बात कर रहा हूँ ना तो फिर इंटरमीडिएट uh, इंटर inter, मैं वो सारे वर्ड्स लिख रहा हूँ जो मेरे जहन में आए और आपके किताबों में लिखे हुए कि लेवल से मुराद क्या है अगर लेवल्स की बात करता हूं तो लोअर ये भी एक लेवल है और मैं आइल्स में से लिख रहा हूँ मिडिल ये भी एक लेवल है मिडिल और अपर ये भी एक लेवल और ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं आइड्स के अंदर स्क्रीन शॉट ले लें अपने पास ठीक है चलिए आगे चलते हैं अच्छा अब आ जाइए आखिर में लिखा हुआ यू मे फाइंड दिस डिफिकल्ट अभी आपने डिफिकल्ट के वर्ड्स पढ़े लेकिन यहां पर ये देखें यू मे फाइंड बस ये काम आपको करना होता है एक मिनट में आपने ये निकाल लिए नाउ स्टार्ट रीडिंग स्टार्ट रीडिंग इन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मिनट्स के अंदर आपको अपने जवाब पर पहुंचना है थ्रो चॉपी वॉटर्स विद ईड्स यू विल नीड टू होल्ड ऑन टाइड एज द बोट बाउंसेस अक्रॉस द वेक ऑफ ऑसम क्रूज लाइनर्स आपको Cruise liners का वर्ड मिल गया आपको choppy waters का वर्ड मिल गया तो अब बताइए आप किसके साथ जाएंगे इतना कुछ मिल जाने के बाद आपका इंतजार खत्म हो जाना चाहिए सही है योर आंसर गोज विद आपने क्या लिखा योर आंसर गोज विद सर रफ वॉटर योर आंसर गोज ठीक है आगे चलिए उसके बाद कहते हैं एक्सपीरियंस थ्रिल ऑफ राइडिंग ऑन हॉर्सोंग peaceful country lanes and bridle away with the help of expert guides. Even a novice inexperienced can quickly take the reins and feel the thrill of riding one of the nature's most magnificent beast. कौन सा वर्ड मैच हो रहा है दूर दूर तक हो रहा है कोई वर्ड मैच कोई भी वर्ड दूर दूर तक आपका मैचिंग में नहीं आ रहा ठीक है सही कह रहा हूं पकी बात है चले आगे चलिए आगे चलिए टेस्ट योर पैडलिंग अराउंड द डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट डेजर्टेड का मतलब क्या होता है मिलिट्री फोर्ट क्या होता है डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट जैसे आपने देखा डेजर्टेड मिलिट्री फोर्ट योर आंसर गोज विथ री गुड योर आंसर गोज विथ वन यू थ्री टेन यू कैन सी डिस यूज आइसोलेटेड बिल्डिंग ये वाला ठीक है आपने जवाब क्या लिखना है जवाब लिखने का तरीका याद रखेगा कि आपको जहां जिस पैराग्राफ में मिला है उसका लेटर टाइप करना है बिल्ड ऑन रॉकी आउटक्रॉप

मैंने आज ही पढ़ाया है जो चीज चैलेंजिंग होती है वो क्या होती है जो चीज चैलेंजिंग होती है वो होती है डिफिकल्ट और अगर वो लेस चैलेंजिंग हो जाए अगर वो लेस चैलेंजिंग हो जाए तो वो क्या हो जाएगी इजी तो आप पहुंच जाओ अपने जवाब पर देखें लेस चैलेंजिंग डिस्कवर आर कार फ्री साइकिल ट्रैक ऑन फॉर्मर रेलवे लाइन दिस वन मोर डिफिकल्ट आपने देखा लेस चैलेंजिंग इज इक्वल टू इजी चैलेंजिंग इज इक्वल टू डिफिकल्ट अपने जर्नल को जब आप मेंटेन करें ना तो बेटा ऐसे ही मेंटेन कीजिएगा आप हमें दुआएं देंगे ठीक है गोरेज चले आगे सो योर आंसर गोज विद क्या लिखा आपने आंसर इसका कहा मिला था सी में मिला था यस yes. नहीं military fort sigatha challenging great your lines burdal hills test your endurance something less challenging your answer goes with d have your go have you got what it takes to master segway in theory these quirky electric machines are simple to control with users leaning forward to go faster and back to slow down in reality

याद अब ये कॉम्बिनेशन देखो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं हम प्रैक्टिस उस चीज की करते हैं जो डिफिकल्ट होता है मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में था उसका था अपना ये सर्विस कमीशन के होते हैं ना तो बहुत सारे लोग आ रहे थे इंटरव्यू के लिए सौ लोगों का इंटरव्यू हुआ सेलेक्ट एक हुआ अच्छा उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया कि एक गमले को कमरे के अंदर ऐसे रखा कि जैसे ही कोई एंटर होता था वो उसके जो पत्ते थे वो मुंह पे लगते थे भाई अब आप इतने बड़े इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल करेंगे सही है ना लेकिन उन सौ लोगों में से एक ऐसा इंसान आया उसने कहा ये गमला रखने की जगह है भाई बाहर रखकर इसको सौ लोगों के इंटरव्यू के बाद उनको बुलाया उन्होंने बताया आपको हमने दाखला क्यों दिया आपका इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन क्यों हुई है क्योंकि आपने सही जगह बता दी गमला रखने की तो बेटा जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना तो अब आपको मैं ये वर्ड्स के कॉम्बिनेशन बताता हूँ ये वर्ड के कॉम्बिनेशन याद रखें कि प्रैक्टिस के साथ सर ने हमें बताया कि प्रैक्टिस उस चीज की होती है जो चीज डिफिकल्ट होती है ये इट इज कॉल्ड एनालॉजी एक और जैसे आ, सवाल हुआ इंटरव्यू में भाई आपकी शर्ट में बटन कितने है? तो उसने बजाय अपनी शर्ट के बटन गिनने के सामने वाले की शर्ट के बटन गिन के बता दिया सिलेक्शन हो गया ठीक है चले आज फिर आपसे एक पहली भी पूछेंगे फिर आप बताइएगा आगे चलते हैं कहता है अः

और सिंपली टेक द अपॉर्चुनिटी टू लाई जब इंसान लेटता है तो क्या करता है जैसे हम आजकल थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मगरब की नमाज जल्दी हो जाती है पढ़कर आंखें बंद करके लेट जाते हैं तो जब इंसान लाई करता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा होता है रिलैक्स कर रहा होता है और आप कहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं देखें लाए इन ट्री टॉप हेमॉक एंड स्टनिंग बर्ड्स आई व्यू और मतलब जो आपने ट्री हाउस होता है ना उसके अंदर ऊपर जाकर वहां पर आप लेटें रिलैक्स करें वहां से पूरी दुनिया देखें ठीक है सो योर आंसर यहाँ हो गया आल्सो गोज विद एफ टैकल टैकल द स्पेक्टेकुलर कोस्ट इन द नॉर्थ ऑफ आइलैंड इट्स क्रैबल ओवर द रॉक्स अराउंड क्लिफ एजेस एज द वेव्स क्रैश अराउंड यू डाइव थ्रू सबमर्ज्ड केव्स एंड इमर्ज ऑन टू द बीच

तो डॉक्टर्स फॉरन बता देंगे सर इसका मतलब होता है माइनर इंजरीज एंड योर आंसर गोज विथ एच मुबारक हो मैचिंग इंफॉर्मेशन जनरल वालों मैचिंग इंफॉर्मेशन ब्लैंक्स पूरी हुई और आपके दो सवाल मुकम्मल हो गए अब जो तीसरा सवाल है इतिफाक इतफाक 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 कि तीसरा सवाल देखे मैं क्यों कहता हूं कि जो पैसेज टू होता है एकेडमिक वालों का वो जनरल वालों का सेक्शन थ्री होता है मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है अपनी चलाते हैं ठीक है ना अपनी बातें चलाते हैं अब आप देखें आपके पास ये जो पैसेज टू आया है ये तो जनरल वालों का सेक्शन थ्री है देखे सेम टाइप है एम सी क्यूज ब्लैंक्स और लिस्ट ऑफ तो जनरल वाले कहीं नहीं जा रहे यही हमारे साथ बैठे ठीक है आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया करें बेटा चैट बॉक्स में वरना सवाल तो यहां बहुत सारे लोगों के द स्टेप पैरामिड ऑफ जॉसर अब इस सवाल को कैसे डील करें तीन सवाल है अब देखो समझना है जर्नल वालों अकेडमिक वालों तीन सवाल आते हैं सेक्शन थ्री में पैसेज टू में पैसेज वन में दो सवाल का कॉम्बिनेशन होता है पैसेज टू में तीन सवाल के कॉम्बिनेशन सेट होते हैं क्या करें सर कैसे करें यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्या करें कैसे करें अगर आपके पास अगर आपके पास याद रखें इस तरह से आपके पास आ जाए कि आपको एमसीक्यूज दो दे दिए जाए ऐसे चीज को कभी भी तलाश नहीं किया जाता अगर आप इस एमसीक्यूज को तलाश करने बैठ गए तो हो गया आपका बेटा कबाड़ा आप इसका सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लीजिए मैं हमेशा कहता हूं तीन सवाल के कॉम्बिनेशन लिखा करो जैसे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या है कॉम्बिनेशन इसका है लिस्ट ऑफ हेडिंग पहला सवाल लिस्ट ऑफ हेडिंग अपने पास यूं नोट किया करो लिस्ट ऑफ हेडिंग दूसरा सवाल क्या था ब्लैंक्स तीसरा सवाल क्या था एमसी क्यूज एमसी क्यूज विजिएगा क्लियर आ रही है बहुत शुक्रिया अच्छा अब यहां पर देखें अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करेंगे सर ने कहा है कि जब इस तरह के कॉम्बिनेशन आए तो इसके स्टेटमेंट को पढ़ लो ये स्टेटमेंट पढ़ लो पहला काम सर ब्लैंक्स कर ले चौका लगेगा बेवकूफी मत करना ये चौका तुम्हें लगाना है लेकिन देखो तुम्हें जब तुम अभी मेरे साथ पढ़ते रहोगे तुम्हें बाय द एंड ऑफ द सेशन जब तुम सात आठ हफ्ते गुजार दोगे तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा ब्लैंक्स मेरे लिए मसला नहीं है ब्लैंक्स तो मुझे मिल जाएंगी चौका लगेगा लेकिन वक्त को बर्बाद कर दोगे अगर तुमने अभी ब्लैंक्स कर ली इस सेशन के अंदर जब आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल दिया जाता है तो यू हैव टू बी केयरफुल आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने के साथ साथ एमसीक्यूज के दो नंबर और ब्लैंक्स के चार नंबर कैच करेंगे लेकिन अगर आपने इन छह नंबर को पहले फोकस कर लिया तो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग बर्बाद हो जाएगी

ए बी सी और डी में इजिप्ट या इजिप्टियन कहीं दिख रहा है कैपिटल लेटर को स्कैन करो आंखें कर। पहला आ सर, सर यहां तीसरा और कहीं मिल रहा है अच्छा इजिप्टियन से आगे पीछे फिर एक और वर्ड मिल रहा है बिग तो देखो तुम्हें एक वहां पर इजिप्टियन वहां मिला एक इजिप्ट यहां मिला और देखो तुम्हें कहां पर इजिप्ट मिल रहा है सर ये रहा अच्छा मिल गए तीन इजिप्ट अब देखो तुम्हें मैंने एनालॉजी सिखाई है मैंने तुमसे कहा कि इजिप्टियन तुमने देखा इसके आगे पीछे थोड़ा सा नजर घुमाई तो तुम्हें नजर आया बिग यहां पर लिखा हुआ है ऑफ द पास्ट अब तुम उन नजरों में रखो सिर्फ देखो तुम्हें पास्ट और बिग कहां पर नजर आ रहा है अगर तुमने तीसरे वाले इजिप्ट को देखा तो तुम्हें यहां पर एंशियन का वर्ड नजर आ रहा है एंशियन का मतलब क्या होता है पास्ट एंशियंट इजिप्ट अच्छा अगर बिग की बात करते हैं तो ये किस चीज की बिग की बात कर रहे हैं बिग इज वॉट साइज is equal to small size is equal to big size is equal to देखिए ठीक है पेन आपको अच्छा नहीं लग रहा या पतला है मोटा कर दें अब सही कलर चेंज कर दें ब्लैक के अलावा फिर हमारे पास रेड है विच कलर डू यू लाइक अब सही पेन का कलर पसंद नहीं आ रहा चले कोई टेंशन नहीं हमने कर दिया आपकी हमने रेड कर दिया आई लव रेड कलर चले अच्छा अब आप देखें अब आपने स्कैन कर लिया बेटा देखो ये होती है स्कैनिंग अच्छा अब आपको पता चल गया कि ये वाला इजिप्ट है मिल गया साइज मिल गया अगर तो ये काम तुम कर सकते हो तो तुम कर लो ये चार नंबर तुम्हें कहां से मिल रहे हैं यहां से यहां से मिल रहे हैं ठीक है थीके? बात समझ आ गई अब एक नंबर तुम्हें यहां से मिलेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का एक नंबर तुम्हें यहां से मिलेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग का एक नंबर तुम्हें यहाँ से लिस्ट का। यहां से मिलेगा चार नंबर फिलिंदा ब्लैंक्स और ये जो दो नंबर है ना इसके पीछे मत दौड़ना उसके पीछे मत दौड़ना ये तुम्हें कहीं ना कहीं ये बात खुद ही टकरा जाएगी टकरा जाए तो बहुत अच्छी बात है ब्लैंक्स आपको से ठीक है ना फिलिंदा देख लिया और वो देख लिया देख अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे अभी सॉल्व नहीं करना हम सीक्वेंस में चलेंगे ठीक है ना बस स्कैन कर सकते हो तो दो मिनट का टाइम देता हूं मैं एकेडमिक वालों को तीन मिनट का ले लो स्कैन कर लो स्कैन कर लिया आपने बहुत बड़ा काम कर लिया तो मैं कहीं नहीं मिलेगा तुम इसको स्कैन नहीं कर सकते कौन सा विच टू ऑफ द फॉलोइंगज द राइटर मेक अबाउट किंग होता ना मैं इसका जवाब जब मैं पूरा अपना सवाल सॉल्व कर लेता तो मैं फिर देता वॉट विच टू ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज द राइटर क्योंकि इस तरह की बात को ढूंढा नहीं जा सकता पूरी बातें किंग जॉसर के हवाले से ही हो रही है पूरे पैराग्राफ में हर पैराग्राफ तो याद रखना इस तरह के सवाल पर टाइम वेस्ट नहीं करना जवाब नहीं समझ आ रहा हो तुम आगे इस, अपने पैसेज थ्री पे चले जाना बट डोंट वेस्ट टाइम हियर मोर देन टू मिनट्स और वो टू मिनट्स भी मैं कहूंगा कि आपको कैसे आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया सॉल्व करने के बाद आखिर में इसके पास आइए क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग के चक्कर में हर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ठीक है अच्छा मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जवाब ए में मिलेगा या इसका जवाब आपको आखिरी पैराग्राफ में मिलेगा ये MCUs के जवाब से कंसीडर नहीं कर सकते कि 24 का जवाब डी में मिला है तो अब 25 और 26 जो है वो आपको यहां पर मिलेगा ई e, एफ और जी में इस बात को कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा एमसीक्यूज के हवाले से एमसीक्यूज के जवाब मैंने बता दिया कहीं से भी ये मल... जब आते हैं ना टू आंसर एनी वेयर एंडर जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा अच्छा और अब आजे, अब आज लिस्ट ऑफ हेडिंग पर लिस्ट ऑफ हेडिंग सर अब इसको कैसे सोल्व करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग सवाल आप शुरू करेंगे लिस्ट ऑफ है आपका फोकस आपको पता आपको ये बात पता चल गई है मैंने ए बी सी पढ़ना है एक एक नंबर लेना है मेरी किस्मत अच्छी होगी मुझे उसमें कोई एम सी क्यूज टकरा जाए वो बाय द एंड ऑफ द सेशन मुझे पता चलेगा कि मैंने ये बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी पता चल गया दैट्स वेरी गुड वो दो नंबर आपको मिल जाएंगे वरना दो नंबर खैरात में गए दे दीजिएगा <laughs> सही है ना चले बट डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर गेटिंग अलेवन मार्क्स बाकी ग्यारह मार्क्स आपके सॉलिड हैं जो आपको खुद लेने हैं अब आपकी जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आपका मेन आइडिया है जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो आपका मेन आइडिया है और मैंने हमेशा इस बात को नोट किया है याद भी रखना जो पैराग्राफ ए होता है उसका जवाब आखिर की चार तीन चार लाइंस में ही होता है ये बात याद रखना ये मैंने नाइन्टी परसेंट नोट किया है लिस्ट ऑफ हेडिंग के सवाल में चलिए आइए लेकिन इस सवाल को शुरू करने से पहले आप सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ लीजिए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ेंगे तो चीजें आपकी जिंदगी में आसान हो जाएगी एंड आर्टिफैक्ट्स इफेक्ट विद इन दैरामिड इट डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज हु इन्वॉल्व अ डिफिकल्ट टास्क ठीक है किंग हु Who saved his people? A single certainty among less definite facts. A single certainty, certainty among less definite facts. The areas and artifacts, a difficult task. Uh, a king who saved his people, a single certainty among less other less definite facts. An overview of the external buildings and areas. A pyramid design that others copied. एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन ऑफ बोरियल स्ट्रक्चर्स एंड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस डिस्पाइट द फ्यू रिमेन्स द आंसर टू समएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपने इन सारी बातों को तोज्जह से पढ़ लिया और कोशिश करें कि ये आपके सामने रहें अच्छा जो कंप्यूटराइज आइड्स होता है ना उसमें ये बात मुमकिन होती है कि वो चीज आपके सामने रहे कंप्यूटराइज क्योंकि आप इसी तरह से आपकी स्क्रीन सेट हुई हुई होती है तो आप अपने टेक्स्ट को ऊपर नीचे करते रहते हैं और आपका सवाल आपके सामने रहता है तो आई फाइंड अ कंप्यूटराइज्ड आइल्स वेरी हेल्पफुल इन रीडिंग वरना रीडिंग के अंदर एक जो हमें परेशानी आती है एक तो इतना बड़ा फोंट बड़ा पेपर छाप के देते हैं वो बच्चों का तो ले भाई इतना बड़ा पेपर इतना बड़ा पेपर वो पेपर इतना बड़ा नहीं होगा वो फॉन्ट को बहुत बड़ा कर देते और फॉन्ट को इतना बड़ा कर देते कि अब हमें पेजेस पलटना भी एक बड़ा मसला होता है तो पेजेस पलटने में आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा ये बात पहले से दिमाग में रख ले तीन पलटने के रख लें ठीक है ना चले अच्छा अब ये सारे मेन आइडियाज हैं ये की वर्ड नहीं है मैंने इसमें से की वर्ड नहीं निकाल रहे मैंने इसमें से मेन आइडियाज नहीं है अब ये मेन आइडियाज आपको याद करने का तरीका बादाम खाया करें सुबह रोजाना चार बेटा आसान <laughs> याद करने का तरीका है आप उसको जर्नल पे लिखें इरफान भाई मैंने आपसे एक वॉइस नोट शेयर किया था अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स का तो उनके मुताबिक वो कहते हैं भाई असल ने जर्नल बना लिया भाई उस जर्नल को बनाकर आप रीड आउट करते रहे ना चीजों को दीज आर दिनम्स हमारी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन आप उनको लिखते नहीं जब आप लिखेंगे ना तो फिर आपको वो याद रहेंगी पैरामिड आर द मोस्ट मोन्यूमेंट्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड इनॉर्मस इंटरेस्ट फॉर पीपल इन द प्रेजेंट डे दीज ग्रेंड इंप्रेसिव ट्रिब्यूट द मेमोरी ऑफ द इजिप्टियन किंग्स है कंट्री इवन द

वन वन ज विथ और जिसपे कोई सवाल नहीं उठता देर इज नो क्वेश्चन दैट एज फार एज इजिप्ट इज कंसर्न एंड योर आंसर गोज विथ वेरी गुड बाकी लोग अल्लाह जो दे उसका भी बला जो ना दे उसका भी भला यस yes. a single certainty, single one, single, single is equal to one certainty among the other less definite facts. कहते, there is no question that it means it is certain, it is certain, a single certainty. there is no question that. so your answer goes with. अब जवाब लिखते हुए गलतियां सुनिएगा। आपको जवाब लिखना था 4 और आप लिखकर आ गए four आपको जवाब लिखना था फोर और आप लिखकर आ गए फोर भाई आपने फोर क्यों लिखा आप लिख कर आ गए फोर आप लिख कर आ गए फोर ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत सब गलत यहां पर आपको रोमन में लिखकर दिया तो आपको आंसर शीट में अभी तो आप पेपर पे लिखेंगे आंसर शीट में बाद में ट्रांसफर कीजिएगा फोर ऐसे लिखते हैं ये चारों फोर गलत है और ये बच्चे लिख कर आए माजी में आगे चलिए अच्छा अगर तो देखें आप मेरी तरह जहीन है आपके जहन में दो नंबर भी है आपको मारने एट प्लस तो जब आपके जहन में एट प्लस का सिंबल है ना तो अगर मैंने बी और सी को थोरो रीड किया तो मेरे वो दो नंबर कहीं नहीं जाएंगे लेकिन अगर मैं सिर्फ टारगेट करता हुआ जाऊँ लिस्ट ऑफ को तो वो दो नंबर मेरे डिफिकल्ट हो जाएंगे इस बात को नोट कर लो अगर तुम्हें वो दो एमसी के नंबर चाहिए तो तुम्हारी रीडिंग का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें हर पैराग्राफ समझ भी आए पढ़िए कहता है फर्स्ट किंग ऑफ द थर्ड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड द फर्स्ट बिल्ड इन स्टोन प्रायर टू जॉसर डिजाइन टूम्स वेक्टेंगुलर

उसने कहा भाई बिल्डिंग को और बड़ा होना चाहिए मोर इम्प्रेसिव टू फॉर किंग स्टोन स्लैब्स ऑन टॉप ऑफ वन अदर और हम इसको ऊंचे से ऊंचा लेकर जाएंगे प्रोग्रेसिवली मेकिंग स्मॉलर टू फॉर्म द शेप नोन एज स्टेप पैरामि अब आपने जब इस बात को पढ़ा तो पढ़ने के बाद जब इसने कहा

अब आप इसका जवाब क्या लिखेंगे अब आप इसका जवाब लिखेंगे सेवन। ठीक है भाई चले अच्छा अब इसको और पढ़ने की कोई वजह नहीं पढ़ जाए लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं देखो अगर तुम्हारा ख्वाब है कि तुम एमसीक्यूज के जवाब को पकड़ लो तो पैराग्राफ सारे पढ़ते हो पूरे पूरे जाना ये टेक्निक बता रहा हूं वरना तो इसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा ना हो तुम एमसीक्यूज का जवाब ना दे सको क्योंकि यहां पर जो बात लिखी है शायद उसमें कोई जवाब हो जॉसर इज थॉट टू हैव फॉर नाइन ईयर कहा यह जाता है कि ने उन्नीस साल हुकूमत की बट सम हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर अट्रीब्यूट लॉन्गर टाइम फॉर हिज रूल लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं भाई इससे ज्यादा अरसा वो रहा है ओविंग टू द नंबर ऑफ साइज ऑफ द मोन्यूमेंट ही बिल्ट याद रखिएगा इस बात को The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century, and it is known as that the building process went through many different stages. Historian Dash comments on this writing much experimentation was involved, which is especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. It had several plans before it became the first step pyramid in history. पास बता दो उड़ते हुए जाओ जब तुम्हारे वोबुलरी याद होगी ना तुम पढ़ते हुए जाते हो तुम्हें वर्ड्स टकराते हो और तुम अपने मेन आइडिया पकड़ते हो सर चैलेंज का वर्ड तो डिफिकल्ट से मैच होता है ये अब आप देखिये ये चीज आपने जनरल के अंदर बढ़ी थी टकराई आपको एकेडमिक में भी लोग कहते हैं एकेडमिक मुश्किल है यार वो स्टार्टर है वो स्टार्टर में जो बातें पढ़ोगे वो यहाँ पे भी आएंगी चैलेंज कवर्ड किस से मैच हो गया डिफिकल्ट से मैच हो गया एंड अ डिफिकल्ट टास्क फॉर दोन थे बिल्डर्स बनाने वाले सो योर आंसर गोज विथ टू वो का गेम है आपकी वर्ड्स की नॉलेज आपकी नॉलेज वो बड़ी मैटर करती है और वो वक्त के साथ साथ ही आप हमारे साथ रहें हमने तो आपको इजाजत दी है जब तक रहे ना आपको हमारे साथ रहिए अब तो हम किसी को बाहर ही नहीं कर रहे हमने तो एक नई पॉलिसी रख दी है किसी को बाहर नहीं कर रहे हम ठीक है आप पर्चियां लेते हैं और हमारे साथ रहें लेकिन भाई तीन महीने के अंदर अंदर पेपर देने की नियत कर लें कि तीन महीने में पेपर देना है चले अब आपको पता है चौका लगाना है लेकिन अब मैं कहता हूं चौका लगाने के साथ साथ आ जाओ अब जब तुम इसको पढ़ो तो तुम्हारे जहन में ये बात रहनी चाहिए मैंने लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है अच्छा जब तुम इसको पढ़ने जा ही रहे हो तो मैं तुमसे कहता हूँ कि बेटा चलो तीन पैराग्राफ्स पढ़े ही है ना तो इतना डाटा तुम्हारे जहन में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा तो जरा तुम ए और बी को पढ़ के जवाब दे दो ए होगा या बी होगा ये टेक्निक याद रखना सर ने जहां तुमने तीन पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं तो तुम जरा उसको रीड आउट करो और देखो कि तुम किसके साथ जाओगे मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखो किसी बात को यहां पर एक बात खत्म हो गई थी और फिर मैंने कहा था इस बात को जरा पढ़ लो जहां से कुछ नहीं मिलता वहां से कुछ मिल जाता है कहता है वो उन्नीस साल उसने हुकूमत की वो लेकिन सम हिस्टोरियन एंड स्कॉलर मच लॉन्गर टाइम फॉर हिज रूल तो बताओ किस पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है योर आंसर गोज इसको ढूंढा नहीं जा सकता था लेकिन आपको टेक्निक क्या थी कि आपने लिस्ट ऑफ आपने पढ़कर लिस्ट ऑफ के बारे में जवाब दिया तो ये इन्होंने क्यों लिख कर दिया भाई इसको लिखने की क्या वजह थी इसके अंदर आपका एक जवाब छुपा था देर इज अ डिसमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ हेज रीन ठीक है और वो फिर जब आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए चीजों को एलिमिनेट करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा एम हो जिसमें टू पॉसिबल आंसर हो एबीसी पढ़कर एक दफा पढ़ लेना तुम्हारा जवाब हो सकता है तुम क्लिक कर जाओ अब आगे चले अब मैं आऊंगा इसके ऊपर बिल्कुल बाय द एंड ऑफ द सेशन चले अब डी को पढ़ के चार नंबर लेने भाई आप लोग करेंगे लोग मैं नहीं बता रहा ये तो स्कैनिंग तो आप लोगों का काम है लेकिन देखो स्कैनिंग करते वक्त ये मत भूल जाना कि इसकी हेडिंग बतानी है क्योंकि जब हम स्कैन करते हैं तो हमें समझ कुछ नहीं आता है तो स्कैन करना यहां पर विथ थॉरो रीडिंग ताकि तुम्हें ये बात समझ आए कि यहां पर बात क्या हो रही है चलें और इसमें मैंने एक बात और भी नोट की है वो मैं भी बताता हूं तुम लोगों को When finally completed step pyramid, 62 meters फाइनली Was रो tallest. मुझे दो मिनट दीजिएगा मेरा एक सेशन आ, स्टार्ट हो रहा है उसको यहां से हम वहां शिफ्ट कर रहे हैं आप पानी पी लें यू मे ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वॉर गिव मी सिक्सटी सेकेंड ओनली i'll be with you. i'm here i'm not going anywhere जब तक आप लोग तलाश करें ब्लैंक्स को तलाश करें एक मिनट है आपके पास पानी ना पिए आप ब्लैंक्स तलाश करें keep finding 40 seconds left 30 20 10 5 seconds अब तक तो चालू मिल गए होंगे टाइम्स अच्छा अब आप ये देखिए द कॉम्प्लेक्स दैट इंक्लूड्स द स्टेप पैरामिड इट कंसीडर टू बी एज बिग एज इजिप्टियन डैश ऑफ द पास्ट कहता है द कॉम्प्लेक्स इन विच इट वाज बिल्ट वाज द साइज ऑफ अ सिटी इन एंशिएंट इजिप्ट तो एंशियन का मतलब आपने फौरन पहचान लिया था कि सर ये पास्ट की बात हो रही है और बिग को आपने पहचान लिया एनॉलॉजी आपने पकड़ ली और जवाब आपने कैच कर लिया है और वो जवाब क्या है ठीक yes, है ना आगे चलिए अब आप देखिए अब देखो स्कैनिंग का तरीका मैं कह रहा हूं इसको थोड़ो रीड करना ताकि तुम्हारे जहन में हेडिंग भी आए कहते हैं एंड इंक्लूडेड इन अ टेम्पल कहते श्राइन्स एंड लिविंग क्वार्टर फॉर द प्रीस्ट वहां कहते हैं द एरिया आउटसाइड द पैरामिड्स द एरिया आउटसाइड द पैरामिड्स द एरिया आउटसाइड द पैरामिड्स इंक्लूड एकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय आपका दिन कौन सा है ये देखिए अपना डे बता दीजिएगा आप मुझे असमा बताओ एकोमोडेशन किससे कहते हैं ये अकोमोडेशन का वर्ड है जो एकोमोडेशन होती है वो क्या चीज होती है इधर देखिए टेंपल पोर्टयार्ड श्राइन्स एंड लिविंग क्वार्टर्स इसमें अकोमोडेशन कहाँ है समझ तो जब आएगी ना बेटा जब आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी आपको वो कैबलरी समझ आएगी वोकैबलरी नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा अब यहां पर लिखा हुआ है लिविंग 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 क्वार्टर इज इक्वल टू अच्छा ये किसके लिए थे आगे पढ़ो दैट वॉज ऑक्युपाइड बाय आगे पढ़ो लिविंग क्वार्टर फॉर द प्रीस्ट इसमें ना समझ आने वाली कोई बात नहीं है अब यहां पर मुझे चाहिए दीवार दीवार के साथ मुझे चाहिए इन एडिशन अ लॉन्ग डैश इन सर्कल द वॉल मुझे दीवार चाहिए आइए मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूं फॉर द प्रीस्ट इट वॉज कवर्ड सिक्स एंड वॉज सराउंडेड बाय वॉल बाय अ वॉल वन टेन पॉइंट फाइव मीटर हाई इन एडिशन अ लॉन्ग डैश इन सर्कल्ड इन सर्कल्ड का मतलब समझते हैं इन सर्कल्ड इन सर्कल्ड का मतलब समझते हैं इन सर्कल्ड आइए आगे पढ़े इन सर्कल्ड द वॉल हैड थर्टीन फॉल्स डोर इन टू एट विद ओनली दन टू एंट्रेंस कट इन टू द साउथ ईस्ट द एंटायर वॉल वॉज देन रिंग्ड बाय अ सेवेंटी सेवन फिफ्टी मीटर्स लॉन्ग बाय ट्रेंच सेवन फिफ्टी मीटर लॉन्ग इन एडिशन आ लॉन्ग डैश इन सर्कल द वॉल बता दो ना उस दीवार के चारों तरफ क्या था ट्रेंच गड़ा गड्ढा अ ट्रेंच सेवन फिफ्टी मीटर लॉन्ग आपने लॉन्ग को पकड़ा इन एडिशन अ लॉन्ग लॉन्ग क्या ट्रेंच लॉन्ग ट्रेंच इन अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या हुआ एनी विजिटर्स हैड नॉट बीन वर फ्रॉम एंटरिंग द बीनवाइटेडलींटरिंग दैरामिड अन्यू देश ऑफ द रियल एंट्रेंस द फॉल्स डोर एंड द ट्रेंच वर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कॉम्प्लेक्स टू डिस्करेज अनवॉन्टेड विजिटर्स अन विजिटर्स देखें

चौका लगा दिया आपने चार नंबर मिल गए आपको स्कैनिंग में आप लोग चीता हो चुके हैं जो नहीं हुए वो आने वाले वक्तों में हो जाएंगे आपको देखो भाई जब आइल्स रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना तीन हफ्ते ए, पहले हफ्ते कुछ समझ नहीं आता दूसरे हफ्ते कुछ समझ नहीं आता तीसरे हफ्ते में सांस आती है ठीक है ना अगर एक दिन में समझ आ गया तो फिर तो तुम आइल्स को भी कर लोगे ठीक है चले अब मुझे हेडिंग पर आ जाए अब बताइए लास्ट ब्लैंक समझ नहीं आई दोबारा देख लें देखिए दोबारा देखिए रियल एंट्रेंस से क्या मुराद है रियल एंट्रेंस से क्या मुराद है रियल एंट्रेंस का मतलब देखिए रियल एंट्रेंस ट्रू ओपनिंग इफ समवन विश टू एंटर ही और शी वुड हैव नीडेड टू टू नो इन एडवांस हाउ फाइंड द लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग इन द वॉल कहता है अनलेस दे न्यू द डैश ऑफ द रियल एंट्रेंस ऊपर से पढ़ो as a result any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid ground unless जब तक उसको सही रास्ता ना पता हो the location of the real entrance <coughs> आज आगे चलिए अब आपने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा गया आप देखिए आपका इम्तिहान है आपने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा गया बताओ हम पिरामिड के अंदर थे या पिरामिड के बाहर थे शायरम्स Accommodations, आप पैरामेड के अंदर घूम रहे हैं या पैरामिट के बाहर घूम रहे हैं अरे भाई रियल ये जो accommodations थी ये जो shrines थे ये सब उसके अंदर थे सोच लें सोच लें आई एम नॉट फोर्सिंग यू आई एम नॉट फोर्सिंग यू सोच लें अंदर आपको दाखिल ही नहीं होने दिया जा रहा चारों तरफ ट्रेंच है भाई चारों तरफ ट्रेंच है आपको तो अंदर जाने नहीं दे रहे आपको तो सारी चीजें कहाँ की बता रहे हैं वो अभी तो अंदर आप गए नहीं है अंदर जाएंगे भाई अभी अभी तो आपको बाहर की सारी बातें बता रहे ना ये जो प्रीस्ट का घर है श्राइन्स हैं कोर्ट यार्ड है, लिविंग क्वार्टर्स हैं ये अंदर होंगे सारे नहीं भाई ये तो सब कुछ बाहर था है भाई किसके साथ जाएंगे अब बता दो ना एक्सटर्नल बिल्डिंग्स इन एरिया बिल्डिंग्स में कौन आ गई श्राइन्स आ गए देखो ये अभी इससे पहले तुमने याद किया था वो मिलिट्री फोर्ट मिलिट्री फोर्ट याद किया था अभी दैट वॉज अ बिल्डिंग अब तुमने बिल्डिंग्स में अब बिल्डिंग्स में क्या किया श्राइन्स देखो ये मैचिंग याद रखा करो लिखो अपने पास बिल्डिंग इज इक्वल टू श्राइन्स बिल्डिंग इज इक्वल टू मिलिट्री फोर्ट फोर्ट किसे कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बिल्डिंग ओ आई सी लिविंग क्वार्टर एरियाज आई सी आई सी चले किला एफ ओ आर टी फोर्ट शुक्रिया अच्छा भाई अब आपके पास ई एफ जी है आपके जहन में अब आप रिलैक्स हो गए अब आपके सिर्फ चार नंबर रह गए आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा आप चाहे तो सबसे छोटे पैराग्राफ को से स्टार्ट ले लें लेकिन आइए अब आपको टेंशन नहीं है टेंशन कम हो गई है ब्लैंक्स हो गई है। आप कैसे तीन से चार नंबर इसमें सामने आपको नजर आ रहे हैं तीन पैराग्राफ नंबर चार चार मिनट से ज्यादा स्पेंड मत कीजिएगा चलिए द बुरियल चैम्बर ऑफ द टूम वेयर द किंग बॉडी वॉज लेड टू रेस्ट was dug beneath the base by the base of the prim, uh, pyramid, surrounded by the vast maze of long tunnels that had rooms अब अब कहाँ चले गए rooms of them to discourage robbers. One of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels. भाई कहाँ चले गए हो? किधर चले गए हो? वो तुम्हें तो कहाँ लेके चला गया है? देखो वेरियस वेजल्स ऑफ वेरियस शेप्स वर डिस्कवर्ड इन स्टोर रूम ऑफ द पैरामिड अंडरग्राउंड पैसेजेस भाई अंदर चले गए आप लोग अब बताओ कहां जाओगे किसके साथ जाओगे किसके साथ जाओगे अंदर चले गए ना बेटा नाइन पे कहा चले गए द आंसर डू आर अंदर द एरिया विद इन द पैरामिड इट सेल्फ देखें वो आपको कहा ले गया इन साइड द पैरामिड क्या क्या मिला आपको वो बता रहा है फिर वो और भी चीजें बता रहे इन स्टोर रूम्स आप अंदर चले गए अनफॉर्चुनेटलीटली ऑल द डिजाइन ऑफ द अंडरग्राउंड नेटवर्क डिड नॉट प्रीवेंट एंशियन रॉबर्ट फ्रॉम फाइंडिंग अ वे इन लेकिन चोर अपना रास्ता ही लेते हैं पहुंच गए चोर जॉसर ग्रेव गुड्स वहां जितनी भी चीजें थी And even his body was stolen. body At some point in the past, and all archaeologists found were a small number of his valuable, overlooked by the thieves. But those things were enough. This was enough left throughout the pyramid and its complex. However, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it. जो चीजें मिली थीव्स आपको जो बची चीजें मिलती हैं माजी से जो से आपको जो चीजें मिली उसको आप लोग क्या कहते हैं बताइए ये चीज जो चीज बची ही फ्यू रिमेन्स एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल टू एस्टॉनिश एन अमेजदार इट मीन एन एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस बावजूद इसके कि बहुत थोड़ी सी चीजें मिली वर आई स्मॉल नंबर ऑफ इज वैल्यूबल आखिरी बात डैश फ्यू मॉन्यूमेंट्स होल्ड अ प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एज सिग्निफिकेंट एज दैट ऑफ स्टेप पैरामिड इन साक्रा It can be said without exaggeration that this com pyramid complex considered a milestone in the evaluation of monumental stone architecture in the Egypt in the world as a whole. और एक बात मैं आपको बता दू दैरामिड वॉज रेवल्यूशनरी एडवांस इन आर्किटेक्ट के आने वाले जितने भी आर्किटाइप थे विच ऑल अदर ग्रेट पैरामिड बिल्डर्स वुड फॉलो किया करते थे उसको फॉलो किया करते थे यार ये बिल्डिंग बनाई कैसे है किस जिसने भी बनाई है लेकिन बनाई कैसे है तो उसको फॉलो किया करते थे वुड फॉलो का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा काम जो किया करते थे क्या किया करते थे अ पैरामे डिजाइन दैट अदर्स कॉपी कॉपी का मतलब फॉलो फॉलो इज इक्वल टू कॉपी आपने सारे जवाब दे दिए फिलिंदा ब्लैंक्स दे दी अब आप चले जाइए आपने ए और बी में से फैसला कर लिया था अब आप मुझे बताइए सी डी और ई e को पढ़िए और आप मुझे जवाब दे देंगे मुझे उम्मीद है जिस से अभी आप लोगों ने मेरे पास पढ़ा है बस यही टेक्निक आपको पेपर में अप्लाई करनी है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने का नहीं है ये खुद चलकर आना चाहिए बस शर्त ये कि आपके जहन में ये बात रहे कि मुझे वो दो नंबर भी लेने और आप अपने पैराग्राफ्स को थोड़ा रीड करते हुए जाए अ फ्यू ऑफ इज पोजेशन वर स्टिल इन टोम वेन आर कॉलेज of his वर स्टिल इन in his tomb when कॉलेज इज फाउंड आगे बात समझ लेट्स कॉल इट अडे नाउ आई एम शिफ्टिंग टू आई एस स्पीकिंग